मियां बीवी शादी हो गई, खुशियां, फ्यूचर के प्लान्स, और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, दो सुपरस्टार्स। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक मतलब बहुत ही तीन साल हो गए, पांच साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है? नहीं नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। मुझे लगता है पता चला है एक एक दिन गुजरते हुए। ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियां बीबी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का होता है। नहीं, हमने पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। खेले ना 5 साल हो गए। मान सर, पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। हाँ। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं। हम एक ख्वाब ही देखा जाता है, क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है, ग्रोसरी लेना? मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही है। मेहंदी माइयों तक होता है बस। तो मेहंदी माइयों, वो भी एक फीलिंग होती है कि यू नो अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा। जब अगले दिन पता चल जाता है कि होगा तो फिर आप कहते हैं। एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी। उसके बाद मियां बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ, सिर्फ हनीमून पीरियड। बहुत ही दोवे मियां बीवी हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं अब ये मैं आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियां बीवी हैं? याद दिलाते होंगे, रिमाइंड कराते हैं कि हाँ। आई अल्लाह ब्लेस देम, दे आर स्टिल टुगेदर। आई न्यू अ कपल एक्चुअली फ्रॉम द शो बेस। तो उन दोनों मियां बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते, जिस तरह किसी ने हट जाना ना कल्ले होते सर ना। मैं तो क्योंकि वो यूज टू हो गया सर उन्होंने ना, तो आपस से लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे ही कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे, नहीं जानू आप देख लो, जैसे आप जैसे समझोगे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। हाँ नहीं सच के जाऊँ, आप करें ना जैसे आप कभी कभी असद कुछ लोगों को देख के कहते हैं जारा जी तुम ऐसा देखती हो ना कि घर में तो आप जारा जी मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस तक देखती जी असद जी बताएं। बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ, मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। यू रिसेंटली वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच एक्चुअली, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है देखने वाले, जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि दे मिस देयर फर्स्ट चाइल्ड,
आई ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई फर्स्ट बेबी एक्चुअली. वो ये अल्लाह की रजा है, जिसने दुनिया में आना मेरे रब ने लाना, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, जिसने शो में आना वो आगे रहेगा, वो आगे रहेगा. और हम इसीलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते. तो हाउ डिड यू मैनेज एंड वट वॉज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी. दिस इज समथिंग दैट आई डोंट गेट अपसेट ओवर व्हेन इफ दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट. इन्होंने इस बारे में पहले बात की थी, बट आई थिंक हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट लूजिंग अ चाइल्ड टुगेदर ऑल्सो मेक्स यू वेरी टाइट, क्योंकि बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है. आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देखते उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे. मेरी सारी चीजें अलग थी, मुझे बस मैं हर वक्त असद 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 और असद भी हर वक्त जारा जारा जारा. आई थिंक इट वॉज दैट पॉइंट, शायद अल्लाह मियां ने हमें और करीब करना था और समझाना था कि जिंदगी में रुकना चाहिए और काम और चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए और फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू रियली रियली फोकस ऑन देम फिजिकली. हम घर के काम करती हैं, बहुत सारी औरतें घर के काम करती हैं, माँ बाप के काम करती हैं, बट वो भूल जाती हैं कि इनमें उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ is very important, because unhone puri family to have a healthy child. Yeah, to have a healthy child it is very important. Jab mere sath ye hua to maine bahut sare discussion groups join kiye to figure out ki kya hota hai. I was shocked. Aap jaise aapne bataya ki aapke sath hua, every now and then har dusre ghar mein ye hua hai. So obviously Allah mein ki marzi to hai, but I think aurte apna khayal nahi rakhti. Hamare sath jab ye waqia hua to she was very upset, obviously. Itna zyada ki khair ऑब्वियसली हम जैसा आपने कहा है कि हम लोग को नहीं इतना पता चल रहा होता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर लिहाज से उसको ज्यादा पता चलता है. तो मैं ज़ारा को मैंने कहा ज़ारा ठीक है हो गया, मे भी इसमें शायद बेहतरी हो अल्लाह की, तो फिक्र ना करो, शायद आगे अल्लाह और बेहतर करे, शायद ये वक्त ही नहीं था उसके आने का. वो शायद भी कहते हैं नहीं मैं अपना काम में लगी हुई थी तो मैं ये हो गई. मैंने कहा doesn't matter, main cheez ye thi ki isne nahi aana tha to nahi aana tha, itni si baat. And it's so funny ki maine apni bhabhi se kaha tha ki aap jaye ja ke uski shopping kar rahe hain, to bhabhi cartons bhar ke America se layi. But yehi baat hai na, aap jitni planning kar le agar Allah mian ne kisi ko nahi lana to wo sab kamre ban rahe hain. Main ye baat hamesha kehta hu ki jaise zara mustaqsan ne planning kari hoti, acha ye ye hum ye karenge, pehle ye karna chahiye, ghar banana hai, ghar nahi gaadi. Maine kaha karte raho, होना वही है जो होना है ऐसे ही है, और वो ऊपर वाला करेगा. आप कुछ भी कर लो, वाँ वाँ आप सिर्फ एक सोच सकते हैं कि अच्छा यार